उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी लगातार दागदार होती जा रही है। कासगंज में अल्ताफ की हिरासत में मौत को लेकर पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच कानपुर पुलिस पर अब हिरासत में एक युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगा, जिससे सोमवार को उसकी मौत हो गई। मामले में युवक के पड़ोसी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज नारायण के बेटे जितेंद्र उर्फ कल्लू को पुलिस 13 नवंबर को चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी। माधवपुरम का रहने वाला युवक मुंबई में काम करता था और उनके पड़ोसी ने जितेंद्र के खिलाफ 20 लाख रुपए चोरी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पेट दर्द की शिकायत के चलते पनकी थाना चौकी प्रभारी ने युवक के परिवार को फोन कर घर ले जाने को कहा। जब युवक को घर लाया गया तो उसने घर वालों को बताया कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा है। उसके भाई और बहन ने मीडिया को बताया कि जितेंद्र के शरीर पर नीले रंग के निशान थे। मृतक के परिजनों का आरोप है, घर लौटने के बाद से जितेंद्र की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से उसे अंदरूनी चोटें भी आई थी। जितेंद्र को गंभीर हालत में हैलेट अस्पताल ले जाया गया और सोमवार की रात उसकी मौत हो गई।